वेलकम टू जुनूस किचन। आज मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी एंड बहुत ही अच्छा खाने में ऐसा ही एक चिकन फ्राई बना रही हूँ, जो कि देखने में ही आप लोगों को पता चल गया होगा। और ये बनाने के लिए भी बहुत ही कम टाइम लगता है। तो ये चिकन फ्राई बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और कैसे बना रही हूँ देख लीजिए। 1 किलो चिकन विथ बोन लिया है और उसको अच्छी तरह से क्लीन करके, उसको वॉश करके 4-5 times ऐसा मैंने रख दिया है। 1 मैगी चिकन मसाला लिया है, मैगी विथ मैजिक आजकल जो हर दुकान में मिलता है, ये जो चिकन मसाला है साउथ साइड का, मैंने वो लिया है। 1 सचेट मैं यूज़ करूँगी 1 किलो चिकन में। 1/2 लेमन जूस लिया है मैंने, और 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1/2 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और 1 teaspoon मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1.5 teaspoon मैंने एक मिक्स्ड मसाला लिया है। आपके पास अगर मिक्स्ड मसाला नहीं है तो आप चिकन और जो बोलते हैं ना चिकन का ग्रेवी मसाला, ऐसा टाइप्स का कुछ मसाला ले सकते हैं। बट ये जो मसाला है, ये मैंने कैसे बनाया है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, तो आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा मिल जाएगा। ये बहुत ही इजीली बना सकते हैं ये मसाला, और बहुत टेस्टी होता है कोई भी फूड्स में। अब सबसे पहले जो 1/2 लेमन दिखाया था उसका जूस निचोड़ के इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो मैगी का जो मसाला सचेट दिखाया था उसको डाल देंगे, और ऑल पाउडर्ड मसाला जो डिस्प्ले में दिखाया था वो ड्राइड सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डिस्प्ले में नहीं दिखाया, अभी 1 teaspoon इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसको मैं 1/2 hour to 1 hour जितना आपके पास टाइम है मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेट होने के बाद इसको हम लोग एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और प्रेशर कुकर का लीड लगा के इसमें प्रेशर कुक कर लेंगे। इसको मैं 1 whistle फुल फ्लेम में और 1 whistle स्लो फ्लेम में लगाऊंगी। तो प्रेशर कुकर को गैस में रख दिया है फुल फ्लेम में 1 whistle के लिए। फुल फ्लेम में 1 whistle होने के बाद इसको स्लो फ्लेम में 1 whistle तक कुक करूँगी, और उसके बाद जब प्रेशर कुकर कूल हो जाएगा, जब अपने आप लीड ओपन होगा उस टाइम तक मैं वेट करूँगी। उसके बाद प्रेशर कुकर को लीड ओपन करके उसको मैं बाकी जो प्रोसेसिंग है वो कर लूँगी। अब स्लो फ्लेम में भी 1 whistle हो गया है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। मैंने एक तवा गरम कर लिया है और उसमें मैंने ऑयल रख दिया है चिकन को शैलो फ्राई करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, प्रेशर कुकर अपने आप जब ओपन हो रहा है उसमें से जो चिकन पीसेस है इस तवा में ऐसे रख के बैचेस में फ्राई कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने ऑयल गरम किया है, एक एक बैच के लिए मैं 2 tablespoon जैसा होगा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अपना प्रेशर कुकर में जो चिकन पीसेस है वो विथ जूस इसमें डालूँगी, जूस को अलग नहीं करूँगी। जूस साथ में चिकन पीसेस का देने में क्या होगा, ऐसे जब फ्राई होके रेडी होगा तब थोड़ा सा ग्रेवी जैसा मसाला चिकन पीसेस के साथ में होगा, और वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ऐसे ही स्लो टू मीडियम फ्लेम में इसको हम लोग कवर करके रख लूँगी 4-5 minutes, ऐसे ही वन साइड स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुक कर लूँगी कवर कर। 5 minutes के बाद मैं इसको ओपन कर रही हूँ, देख सकते हो कैसे ड्राई हो गया है। अब इसको मैं फ़्लिप कर लूँगी चिकन का जो दूसरा साइड है वो फ्राई करने के लिए। तो ये जो मसाला जो विथ पानी हम लोग डाला था, जो चिकन का जूसेस साथ में मिला के, वो देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम लोग टर्न करके दूसरा साइड डाल देंगे। फर्स्ट बैच में थोड़ा टाइम लगता है, जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब सेकेंड बैच में 4-5 minutes और नहीं लगेगा, 2-3 minutes में ही आराम से जो चिकन जो पीसेस है ड्राई हो जाएगा मसाला के साथ में। तो ऐसे ही सारे पीसेस फ्लिप कर दिया है, और फ्लेम मैंने मीडियम में ही रखा है। अब दूसरा जो बैच उसको भी ऐसे ही फ्राई करूँगी। फर्स्ट बैच मेरा रेडी हो गया, देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं दोबारा टर्न करके दे रही हूँ, ऐसे ही बोथ साइड्स टर्न करते करते फ्राई करना है। जो वन साइड टर्न करके दूसरा साइड ढाला था उसको भी मैंने 3-4 minutes तक ऐसे ही फ्राई किया है। हर पीसेस को टर्न करके करके हम लोग फ्राई कर लेंगे।
अपना जो चिकन पीसेस है अच्छी तरह से मसाला वाला हो गया, फर्स्ट बैच रेडी है, कलर और परफेक्ट पीसेस आप लोग देख सकते हो कैसा फ्राई हुआ है। ओके, रेडी हुआ है। एक्चुअली आयरन तवा में चिकन पीसेस को ऐसे फ्राई करने में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसका, कोई भी नॉनस्टिक पैन में भी कर सकते हो आप लोग ऐसे ही, बट आयरन तवा में तो कुछ अलग ही परफॉर्मेंस होता है, नेचुरल नॉनस्टिक बोलते हैं ना इसको, तो कुछ हार्मफुल भी नहीं है, तो इसमें फ्राई करने से अच्छा है। बट आजकल तो मुश्किल होता है जो आयरन तवा मेंटेन करना, तो सब लोग इसको मेंटेन नहीं करते, जो आपके पास तवा है उसमें ही फ्राई कीजिए। अब मैं सेम प्रोसेस में अपना जो दूसरा बैचेस है उसको भी डाल रही हूँ और ऐसे ही फ्राई करते रहूँगी। इसका जो पानी है, जो चिकन का जूसेस है, वो भी साथ में ऐसे ही इसमें रख के इवापोरेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ऐसा सेम कवर करके 2-3 मिनट्स मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे, उसके बाद टर्न करके दूसरा साइड ऐसे ही फ्राई हो गया है दूसरा बैच भी। लास्ट बैच डाल दिया प्रेशर कुकर का जूस वूस मिला के सब। अपना सारा चिकन पीसेस रेडी हो गया है, फ्राई होके डिश आउट किया है। इसका कलर देखिए और कितना परफेक्टली फ्राई होके रेडी हुआ है, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। ये जो चिकन फ्राई है टाइम भी ज़्यादा नहीं लेता है, प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी हो जाता है, और फ्राई करने में भी अगर आपके पास तवा बड़ा साइज़ है तो बहुत ही जल्दी एक ही बैच में फ्राई कर सकते हो आप लोग। देखिए चिकन पीसेस कितने अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, सब साइड में से टर्न करा के अच्छी तरह से फ्राई होके बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा बनता है ये चिकन फ्राई। ऐसे ही सिंपल चिकन फ्राई अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए।